नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषि ऑनलाइन क्लासेस और हमारे विद्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी हाँ, आप सभी को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले हमारे विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती रीना श्रीवास्तव जी ने सभी बच्चों को हैंड वॉश की प्रक्रिया के बारे में बताया और बताया कि हैंड वॉश हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जी हाँ साथियों, जिस तरीके से हम लोगों ने कोरोना महामारी देखी है और उस महामारी से हम लड़ पाए, उसमें एक जो हथियार था वो हथियार था हैंड वॉश। जी हाँ, सभी बच्चों ने खूब ध्यानपूर्वक मैम द्वारा बताए गए हैंड वॉश की प्रक्रिया को, स्टेप को जाना, समझा और ये बताया कि केवल आज जो हैंड वॉश डे है केवल आज के लिए ही नहीं है, ये अपनी रोज़ की दिनचर्या में आप अपना यूज़ करें। जब भी आप हाथ धोएं, इसी प्रक्रिया को करते हुए अपना हाथ धोने हैं। तो ये बच्चों ने जाना अच्छे तरीके से। और रीना मैम के बाद हमारे जो कंप्यूटर अध्यापक हैं श्री इंद्र कुमार जी, इन्होंने भी स्टेप बताई। बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेन मकसद हमारा यही है कि हम अपने हाथों को साफ और सुरक्षित रखें। बारी बारी से बच्चों ने जोड़े से आकर हैंड वॉश किया। सभी बच्चों ने खूब एंटरटेनमेंट करते हुए, मनोरंजन करते हुए ये सब कार्य किए, हैंड वॉश किया। बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों को, चाहे वो बालक हों चाहे वो बालिकाएं हों, सभी ने बढ़ चढ़ के इस आज के दिवस को मनाया और ये वादा किया हम सभी ने आपस में कि आगे से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम अपने व्यवहार में ऐसे हैंड वॉश की प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो ये हैंड वॉश तो चला ही, साथ ही साथ अब चलते हैं थोड़ा जो हमारे साइड में बना हुआ है विद्यालय के, यहाँ पर आलोक सर हमारे बच्चों को बता रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे लगाएंगे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो हमारा मल्टीपल हैंड वॉशिंग बना हुआ है, यूनिट बना हुआ है, यहाँ पर हम बताएंगे कैसे हैंड वॉश करेंगे। अपने हाथों को गीला करेंगे, हाथों को गीला करने के बाद थोड़ा सा हैंड वॉश लेंगे और इसको इस तरीके से पहले सीधे हाथ से रब करेंगे। जब झाग बन जाए तब इसकी बैक साइड भी इसको रब करेंगे। इसके बाद ये स्टेप करेंगे, फिर हम इसको ये स्टेप करेंगे, फिर अंगूठा, फिंगर्स, ये सब दोनों हाथों की ये करेंगे, फिर हम करेंगे ये नाखून। अपने नाखूनों में गंदगी भर जाती है। और फिर उसके बाद ये कलाई। हाथ धोने के कई तरीके हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेन काम है हमारा हाथ धोने का। इसको हम अच्छे से हाथ धो लेंगे। जो भी हमारे साथी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने घरों में भी रोज़मर्रा में इस स्टेप को करें, हैंड वॉश को दें। जैसे ये नन्हे मुन्ने बच्चे कृषिका और अक्षित हैंड वॉश कर रहे हैं अपने घर में, ये प्रतिदिन प्रक्रिया अपनाएं, सभी बच्चों से ऐसी उम्मीद है। और इसी के साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ताकि इन बच्चों को और भी उत्साहवर्धन मिले। नमस्कार।